वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के नगला मल गांव में करीब 17 दिन पहले पड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10-12 बदमाशों ने मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के नगला मल में 29 अगस्त की रात डकैती डाली थी। बाबू के घर से ये बदमाश करीब 35 तोले सोना, 3 लाख रुपए नकद लूट कर ले गए थे। आज जिन बदमाशों को पुलिस ने मीडिया के समक्ष पेश किया, उसमें पुष्पेंद्र पुत्र सुभाष, प्रीतम पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम हैदरनगर हापुड़ व नरेंद्र पुत्र रामफल निवासी निडोरी थाना मसूरी गाजियाबाद शामिल है, जबकि अनु, अजीत, वीरेंद्र, दिनेश, मोंटू सभी ग्राम हैदरनगर के साथ रेशु ग्राम डबारसी व प्रवीण ग्राम गजरिया फरार बताए गए हैं। आज एसपी देहात केशव कुमार ने यह जानकारी मीडिया को दी। थाना क्षेत्र मुंडाली के नगलामल गांव में 29/30 की रात को एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में 395 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस घटना का थाना पुलिस के द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो पैसे हैं वो 10,000 रुपये चांदी के आभूषण, 750 ग्राम सोने के आभूषण वो बरामद किया गया है। इन व्यक्तियों से पूछताछ में जो बात निकल कर आई है वो ये है कि अभी तक इनके द्वारा बताया गया है कि 12 लोगों के द्वारा ये घटना की गई थी। ये सभी के सभी मुख्यतः हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा इनका जो मोडस ऑपरेंडी बताया गया है वो विशेष प्रकार का है। उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये किसी भी गाँव में जहाँ इनको घटना करनी होती है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भैंस या बकरियाँ या गाय खरीदने के बहाने आवाज़ लगाते हैं और जो भी व्यक्ति इनसे सौदा करने के लिए आता है और सौदा की ये काफ़ी कम कीमत लगाते हैं और उसके बहाने वो घर के आसपास के परिवेश का अपना भांपते हैं, अपना रास्ता तलाशते हैं कि किधर से आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे की, 3-4 बार पूर्व में आके इन्होंने रेकी किया और फिर 29/30 की रात को आके इन्होंने 12 लोगों के द्वारा ये डकैती दी गई थी। अच्छा, क्या तरीके में डकैती करते थे या जहाँ पर ये रहने वाले हैं वहाँ की भी आपराधिक अंजाम देते थे? देखिए, इनका इन सभी व्यक्तियों का जो 3 पकड़े गए हैं और जो अन्य भी हैं, इनका वृहद आपराधिक इतिहास है। इनके जिस जनपद के रहने वाले हैं वहाँ पे भी मुकदमे पंजीकृत हैं, तो ये शातिर आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लगातार ये घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। लूट और डकैती की घटना को अंजाम किस जिले में ये लूट की वारदातों पर? देखिए, कुछ इनके जो पुराने अपराध हैं वो मेरठ के भी हैं और जो हापुड़ है और गाजियाबाद है वहाँ का भी इनका आपराधिक इतिहास है। अच्छा, इनका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जितनी भी वारदातें की हैं क्या ये इसी मॉडल से प्रिंटी से की, क्या इनका अपराध करने का तरीका यही था जो इस मामले में? देखिए, जब भी डकैती या बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो इसी मॉडल ऑपरेंडी के साथ जनरली ये देते हैं। इस चीज़ को जैसे अब इनका डोजियर वगैरह बनेगा तो ये विशेष उल्लेख करवाया जाएगा कि ताकि आगे से इन पे विशेष निगरानी रखी जा सके। तो घर को चिन्हित कैसे करते थे कि इस घर के अंदर ही डकैती डाल रही है? देखिए, वो एक इनका जो घर ठीक ठाक सा हो, बड़ा हो, सिक्लूडेड हो, जैसे जो ये वाली डकैती की घटना हो, यदि आप मौके पर गए हो तो आपने देखा होगा कि वो खेत के बीच में है, चारों तरफ ईक का खेत है, तो जो सिक्लूडेड है जहाँ पे आसानी से घटना कारित कर सकते हैं उस तरह की घरों को चिन्हित करते हैं और जहाँ पे पशु वगैरह हैं जहाँ सौदा करने के बहाने ये घटना कारित कर सकते हैं। देहात में टारगेट बनाते थे? मुख्यतः देहात में टारगेट बनाते हैं। मिलाकर के देहात के अमीरों को लूटने का इनका काम है? बिल्कुल, ये घटना पेशेवर तरीके से करते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।